नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खी पर। 1.5 सालों के बाद खुला नेपाल सील बॉर्डर। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। उग्रवाद से जुड़े लोगों को बिहार सरकार देगी मासिक भत्ता और प्रशिक्षण। चेहल्लूम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों को किया नमन। कन्हैया कुमार ने थाम लिया कांग्रेस का हाथ। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 1.5 सालों के बाद खुला नेपाल सील बॉर्डर। कोरोना संक्रमण की वजह से 1.5 सालों से सील किया हुआ भारत नेपाल बॉर्डर को स्थायी तौर पर बीते शाम को खोल दिया गया। बॉर्डर के स्थायी तौर पर खुलते ही अब बिहार के लोगों को भी काफी राहत मिली है। साथ ही साथ नेपाल के वैसे व्यापारी या आम लोग जो काम धंधे या फिर अन्य वजह से बिहार आना जाना करते हैं, उन्हें भी राहत मिलने वाली है। बताते चले कि नेपाल सरकार के कैबिनेट के आदेश मिलने के 7वें दिन बॉर्डर की सील खोली गई। वहीं SSB की तरफ से भी कहा गया कि लोग नेपाल सीमा पर आवाजाही अब कर सकते हैं। लोगों के अलावे गाड़ियों के भी परिचालन को इजाजत है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना इस दौरान अनिवार्य रहेगा, जिसकी निगरानी SSB के जवान करते रहेंगे। रिश्वत लेते हुए सरकारी कर्मी पर निगरानी विभाग ने लिया एक्शन। सरकारी कामों में रिश्वत लेने की बात कहीं छिपी नहीं है और रिश्वतखोर कर्मचारी आज भी कई विभागों में भरे पड़े हैं, लेकिन निगरानी विभाग की पैनी नजर ऐसे कर्मचारियों पर बनी है। इस बाबत निगरानी विभाग ने भागलपुर में राजस्व विभाग के कर्मी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मामले में 1 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम घूस लेने की बात उजागर हुई है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार कर्मी की पहचान भागलपुर शाहकुंड अंचल के राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक अभिनंदन प्रसाद सिंह के रूप में की गई है। उन्होंने कोई काम कराने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत के रूप में मांगे थे। इसकी सूचना निगरानी विभाग को लेकिन दे दी गई थी, जिसके बाद कर्मी को विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आयुष चिकित्सकों ने राजधानी में दिया धरना। बीते दिन अपनी कई मांगों के साथ राजधानी पटना में बिहार के युवा आयुष स्नातकोत्तर संगठन की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में आयुष चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। सरकार से इन चिकित्सकों की कई मांगों में आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में सभी आयुष कॉलेज के रिक्त पदों पर बहाली करने, आयुष में भी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली, 3270 चिकित्सकों की बहाली जल्द करने, एलोपैथ की तरह ही आयुष की भी संविदा पर बहाली प्रत्येक वर्ष करने आदि मांगे शामिल हैं। इस दौरान धरनार्थियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि 1 महीने में मांगे पूरी नहीं होने पर ये सभी चिकित्सक सामूहिक भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जो जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनकी किस्मत का फैसला कल वोटिंग के जरिए होगा। कल यानी कि बुधवार को दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताते चले कि इस चरण में पटना जिले के भी पालीगंज प्रखंड में वोटिंग होगी। इस चरण में कुल 76,279 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। 3,611 पुरुष उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं और 40,169 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कुल 6 पदों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें से 4 पदों ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के पद के लिए EVM से, जबकि पंच और सरपंच के पद के लिए बैलेट बॉक्स से चुनाव कराए जाएंगे। अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का मंद असर बिहार में बीते शाम देखने को मिला, जिसकी वजह से कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। तो वहीं उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटों के दौरान भी कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट किया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मानसूनी ट्रफ लाइन जैसलमेर से छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है, जिस कारण से बिहार के पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम की बारिश हो सकती है। उग्रवाद से जुड़े लोगों को बिहार सरकार देगी मासिक भत्ता और प्रशिक्षण। बिहार सरकार के द्वारा वैसे लोग जो उग्रवाद से जुड़े हैं, उनके आत्मसमर्पण करने पर सरकार उन्हें तकनीकी शिक्षा देगी। साथ ही साथ 3 सालों तक 6,000 रूपए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा पुनर्वास राशि भी उन्हें मिलेगी। बीते दिन इस संबंध में राज्य स्तरीय समर्पण सह पुनर्वासन समिति की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई है। फिलहाल वर्ष 2019-20 में गया एवं कैमूर के आत्मसमर्पण करने वाले 9 हार्डकोर उग्रवाद से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उनके लिए 38.72 लाख रुपए की सहायता राशि भी स्वीकृत की गई। बताते चले कि जो भी उग्रवाद से जुड़े लोग आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें ITI में उनके पसंद के प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
शहीद ए आजम भगत सिंह अपनी जयंती दिवस पर किए गए याद। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद ए आजम भगत सिंह की आज 114वीं जयंती है। आज इस मौके पर देश अपने हीरो को याद कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी ओर से भगत सिंह को सलाम कर रहा है, तो वहीं देश के कई दिग्गजों ने भी आज ट्वीट कर भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने ट्वीट में श्रद्धा निवेदित करते हुए लिखा कि उनके साहस और इतने बड़े त्याग ने युवा भारतीयों को आज तक प्रेरणा दी है और आगे भी देती रहेगी। बिहार में 3 जिलों से नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। बिहार में गिनी चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 3 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत दरभंगा, भोजपुर और बेगूसराय जिले से 1-1 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 14 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 56 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.66% हो गया है। रविशंकर प्रसाद और नितिन नवीन पर एक आरटीआई दावे ने लगाई गंभीर आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के वर्तमान पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पर एक आरटीआई के खुलासे के बाद वे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा सचिवालय ने 13 सितंबर 2021 को आरटीआई के तहत जानकारी दी, जिसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां मीरा सिन्हा को 62,000 रुपए और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला देवी को हर महीने 30,000 रुपए पेंशन जारी किए जा रहे हैं, जबकि दोनों ही नेताओं की मां का निधन महीनों पहले हो चुका है। इस मामले में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेंशन जारी होने की खबर को गलत बताया है। नितिन नवीन ने कहा कि बैंक को मौत की सूचना दे दी गई थी, जबकि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अकाउंट को पहले ही बंद करा दिया गया है। हालांकि अब मामले की जांच की जाएगी। गंगा चेहल्लुम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों को किया नमन। इस्लाम धर्म में काफी महत्व रखने वाले पर्व चेहल्लुम आज मनाया जा रहा है। यह दिन मुहर्रम के बाद 40वें दिन के रूप में जाना जाता है और इस दिन को हजरत इमाम हुसैन और करबला के मैदान में हुए शहादत को याद किया जाता है। इस मौके पर ताजिया भी निकाली जाती है। इस अवसर पर सुबह ही एक ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हजरत इमाम हुसैन एवं मैदान करबला के शहीदों को नमन किया और लिखा कि नफरत के विरुद्ध इंसाफ, सच्चाई, भलाई और हक के परचम को बुलंद रखने का हमें संकल्प लेना चाहिए। कन्हैया कुमार ने थाम लिया कांग्रेस का हाथ। लंबे समय से चल रही अफवाह आज सच हो गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टार चेहरे कन्हैया कुमार आज कांग्रेस के हो गए। कभी सीपीआई के फायर ब्रांड नेता रहे कन्हैया कुमार ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें बीजेपी से हार मिली थी, फिर भी इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि कन्हैया कुमार को जिस पार्टी ने पहचान दिया उससे ही वो मुंह मोड़ लेंगे। कन्हैया कुमार ने दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले उन्होंने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। बताते चले कि लंबे समय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की मुलाकात हो रही थी, तभी से ये बातें चर्चा का विषय बनी थी। डालमिया नगर में रेल कारखाना के मुद्दे पर शाहनवाज हुसैन ने रेल मंत्री से की बात। बिहार में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। इस बाबत बीते दिन बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इन्हीं सिलसिले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रोहतास के डालमिया नगर में 2015-16 में ही प्रस्तावित रेल मरम्मती कारखाना को शुरू कराने को लेकर बात की और आग्रह किया कि रेल कनेक्टिविटी की दिक्कतों को जल्द ही दूर करके यहां कारखाना को शुरू किया जाए, जिससे इस इलाके की खोई फिर से लौटेगी। साथ ही साथ अन्य रेल परियोजनाओं को लेकर भी रेल मंत्री को अवगत कराया गया। बता दें कि डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाने का काम रेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के उपक्रम रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस को सौंपा गया था। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को ललन सिंह ने भी नकारा। बिहार में अब जातिगत जनगणना के साथ ही साथ विशेष राज्य का भी मुद्दा जाग उठा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी कहना है कि बिहार के लिए हम लोगों ने विशेष पैकेज दिए जाने को लेकर बात किया है। ललन सिंह ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मुद्दा नहीं रहा क्योंकि किसी राज्य को यह नहीं मिल रहा है। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह मांग केंद्र में वीपी सिंह के कार्यालय के समय ही नीतीश कुमार ने उठाई थी। हालांकि उस वक्त जनगणना शुरू हो जाने का हवाला देने के कारण जाति के आधार पर जनगणना नहीं कराया जा सका। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना से पिछड़ों के विकास के लिए सही नीतिगत फैसले लिए जा सकेंगे।
ईशान किशन की जगह श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप टीम में मिल सकता है मौका। खबर ये आ रही है कि ईशान किशन की जगह श्रेयस अय्यर को T20 विश्व कप की मुख्य टीम में शामिल किया जा सकता है। दरअसल गत चैंपियन मुंबई इंडियंस के 3 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और स्पिनर राहुल चहर को IPL में दमदार प्रदर्शन की बदौलत ही राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ था। अभी हाल ही में तीनों ने टीम इंडिया की तरफ से अपना डेब्यू मैच खेला है, मगर IPL 2021 के दूसरे सत्र में इनका खराब फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। इनसाइड स्पोर्ट्स की माने तो श्रेयस अय्यर को ईशान किशन के स्थान पर मौका दिया जा सकता है, मगर अभी हार्दिक पांड्या को लेकर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पुष्पा ने जदयू बीजेपी के गठबंधन वाले रिश्ते पर लगाया आरोप। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर जदयू और बीजेपी में आपसी मत नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण से विपक्ष की पार्टियां कई तरह के सवाल इनके गठबंधन पर खड़े कर रही है। इस बीच चिराग पासवान के गुट वाले लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने CM नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सके। अब मुख्यमंत्री जाते जनगणना के बहाने भाजपा से अलग होने का बहाना खोज रहे हैं। कृष्ण सिंह कल्लू ने आरोप लगाया कि CM नीतीश कुमार भाजपा से अलग होने का कोई अक्सर ही कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं और वह कभी भी किसी राजनीतिक गठबंधन में एक वफादार सहयोगी की तरह नहीं रह पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कन्हैया कुमार का कांग्रेस में शामिल होने का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।